शरण वे आशका दे जस बे कमान हर पल रूनू योदाई खियान दिल चल चंद्रा कैसी यह चान हर पल रूनू योदाई खियान हो तेरे अगे पिछे फिर दी अवावनी अगे पिछे फिर दी अवावनी दस की दा हुण कतल कराएंगी आजा हो 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 मिट्टी दा मैं बावा बनाया मिट्टी दा मैं बावा बनाया सत श्री अकाल जी मैं तुहाडा रॉबी वेनीपाल जिंदगी जिंदाबाद एक बार फिर मैं तुहाडे रूबरू होया एक होर एहोजी जिंदगी नूं लैके जिहड़ी आने वाले समय के पता नहीं किन्ना किन्नियां नूं जिंदाबाद रहन लई अपनी आवाज दे रही प्रेरेगी। यह सफर है 10 साल की घालना का यह हीरा जिहड़ा पिछले 10 साल तो अपने आप नूं तिखा चमकीला बनाने की जदोजहद दे विच लग्या होया छुप के उस कोने दे विच बाथरूम दे विच रियाज बाहर रियाज हर जगह रियाज जदों उस रियाज की उस गायकी की गल ऑफ ईयर मैं उहदे नाल करदा उहदी अखां नम हो जांदियां। इन्ना पैशन इन्नी शिद्दत गायकी दे वास्ते और शुरुआत वह भी एक ओंकार दे नाल उस कुदरत दे नाम दे नाल आओ तुहाडे रूबरू करदे हां उस रूह नूं रूह की गल करदी आ रूह तो गल करदी आ नाम है शरण जोगी। शरण जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल रॉबी भाजी ते सारे स्रोतियां जो भी सानू देशां विदेशां दे विच सुन रहे हैं ते जिन्हां ने गाने नूं इन्ना ज़्यादा प्यार दिता ते अगे भी दे रहे हैं मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हाँ ते सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। कहिंदे लेखक की कलम बोलती है ते गायक की आवाज़ बोलती है तुहाडे इंट्रो दे विच जिन्ने कि शब्द मैं कहे उस दे नाल मैं तुहाडी आवाज़ नूं जे मेलां ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅਕਾਲ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਜੋਤ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਯਾਦ ਸੱਚ ਜਗਾਦ ਸੱਚ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਸਾਲਾ ਹਰ ਰੋਮ ਚੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਉਹਨੇ ਸਭ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਅਗਨੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉਹ ਅੰਬਰੀ ਰਚਿਆ ਸਭ ਪਾਉਣਾ ਸਭ ਪਾਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਪਿਆ ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾ ਸ਼ਰਨ ਸਦਾ ਹੀ ਗੂੰਜਦੈ ਜਨ ਹਰਨਾ ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾ ਸ਼ਰਨ ਸਦਾ ਹੀ ਗੂੰਜਦੈ ਜਨ ਹਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਝ ਆ ਉਸ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ
10 साल तुसी ला दिते अपने आप नूं इस मार्केट दे विच रिप्रेजेंट करने वास्ते एज ए सिंगर प्रोफेशनल सिंगर, तुहानूं लग्गिया नहीं कि लेट ना हो जाइए? नहीं पता नहीं किद्दां रोबी भाजी, हुण मैं दसां कुदरती मतलब जिद्दां ला लो ना वी मैं एक गल मानता हुंदा वी कि करन कारण प्रभेक है दूजा ना ही कोई। कहिंदे जदों परमात्मा गल्लां कराउंदा तां तुहानूं कुछ वी इदां नहीं लगता। मैनूं जो भी जरिए मेरे जिंदगी दे विच, मैं अक्सर कहना हुंदा मेरा एक शेर है छोटा जिहा दो लाइनां दा कि क्योंकि मैं मानता कि जिंदगी च जो कुछ भी हुंदा वह कदे भी बिना वजह नहीं हुंदा। हर किसी छोटी तो बड़ी चीज़ थी ये पल आपां दोनों कट्ठे बैठे हाँ, जां मेरा गीत ला लो एक ओंकार दा साल बाद आया, सब चीज़ां पिछे वजह सी। सो मैं मानता कि किसी वजह करके किसी कारण करके, क्योंकि इंसान एक जरिया बनता, करन करवाने वाला परमात्मा आता। मैं हमेशा कहना हुंदा कि बड़े जरिए दिते दुनिया नूं, मैनूं जरिए भी दरवेश मिले, मेरी अख ना वेखण वाली सी, मैनूं हर थां रब दे भेस मिले, शरण एवें लभदा रहा कि खौरे किहड़े देश मिले, ये जिंदना देखी फोल कते, जिथे ब्रह्मा विष्णु महेश मिले, जिथे ब्रह्मा विष्णु महेश मिले। सो शुकराना उन्हां जरियां दा जिन्हां ने कदे कह लो भी उन्हां कारणां दा जां उस वजह दा जां उन्हां इंसानां दा जां उन्हां रूहां दा जिन्हां ने कदे मैनूं ये तां फील होण दित्ता ही नहीं कि लेट हो रहा जां कुछ हो रहा। मैनू सगो हले भी इदा लगता कि हजे भी मैनू लगता भी थोड़ा जा जल्दी हो गया कि मैनू लगता सी हजे भी, क्योंकि एक होंदियां ना चीज़ एक होंदा तुसी कुछ पढ़ते हो तुसी कुछ सुनते हो, मैं जिंदगी कुछ पढ़िया नहीं कुछ सुनया नहीं, जो भी होया वह कुदरती परमात्मा वालों होया, वह परमात्मा वालों ही चीज़ा आई हैं, परमात्मा वालों लिखनिया गाने का सफर सारा कुछ परमात्मा वालों होया। तो मैं इदा लगता सी कि जो मेरे लेख ने जो मैं लिखता ने उन्होंने तो मैं काफ़ी छोटा, क्योंकि कुछ चीज़ा ऐसा सी जड़ियाँ मैं लिखिया 7-8 साल पहला ने, बट मेरे समझ हूँ आने लगी ने कि असल च इन्हों का मीनिंग की सी क्यों लिखिया गई, क्योंकि वह कहते होंगे ने बचपने कह लो मासूमियत कह लो कि भी कह लो मतलब पता नहीं लग्या कदों की लिखा की लिखवाया। सो मैनू लगता कि यह तो कदे भी नहीं लगे पूरे सफर दौरान कि लेट होया, बस हाँ सफर का आनंद माण रहा है, क्योंकि जो बंदा किसी मंजिल पर पहुँच जाता तो फिर जो आनंद आ जो रस आसहीन हो जाता। पर मैं वडभागी हाँ, मैं अपने आप को यह मानता मैनू कदे यही नहीं लग्या भी मेरा स्ट्रगल आ, मैनू हमेशा यह लग्या कि मेरा लर्निंग पीरियड आ ये चल रहा, तो जिनी देर तक चलता रहे उ मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि जो तुम किसी मुकाम से किसी मंजिल पर पहुँच जाते हो उस तो बाद कि चाह तो भुख नहीं रही। सो भुख नहीं मिटी और चलती रही 10-11 साल। सो वो मेरे ख्याल च मेरे लिए तो जिन्ह ने कल मैं सुनना मेरे स्रोतियों सब लिए उ चंगी गल सी। सो कद इदा तो नहीं लगे ले डेस्टिनेशन कई बार मन च हों कि कलाकार वाग मेरी पहचान हो जब मैं इस मुकाम पर पहुँचना चाहना, तुसी शुरुआत पहला स्टैप लै रहे हो, हाँ जी कोई निर्धारित है दिमाग दे विच? नहीं मैं कदे नहीं ख्याल चा ये बस परमात्मा वालों इदा ही रहा, क्योंकि उदा तां लगे जो कुछ अपना हो गया, जब कुछ अपना है ही नहीं फिर माण कद, क्योंकि मैं उही मैं तो हमेशा कहा क्योंकि शरण जोगी ना भी दरअसल ये रखा सी मैं, क्योंकि शरण जोगी का मतलब आ कि जोगी मतलब हों रब, शरण का मतलब आ छां। सो पूरे नाम का बेसिकली मीनिंग आ कि रब की छां है। सो यदा मतलब आ कि मेरा तो मेरी कलाकार का सिरजनहार भी वह परमात्मा, तो समर्पित भी वह परमात्मा है। सो मंजिल कोई निर्धारित नहीं, बस आम इंसान वर्गा मैं इंसान हाँ, बस एक तरह ला लो भी मालिक ने कार्य सौंपया करके चले जाना, मंजिल कोई नहीं है कि आपके वालों, बस कोशिश यही रहूगी कि जिन्ना चिर भी वो हुक्म नाल उहदी रजा नाल जो भी लिखीए गाईए मतलब जो भी वो लिखावे, क्योंकि दुनियादार जी ते कहना दुनियादारी के तौर पर कहना पैंदा मैं कीता वो कीता, पर मैं मानता कि करन कराउण नाल उही हुंदा बाद च, क्योंकि मैं हमेशा यही कहा कि मैं कोई पहला नहीं मैं कोई आखिरी नहीं, मेरे तो पहला बड़े लिखण गाउण वाले आए, मेरे तो बाद बड़े लिखण गाउण वाले आउणगे, परमात्मा का नाम भी गाँवते रहेंगे, होर भी उदा के कमर्शियल ट्रैक भी गाँवते रहेंगे। वो जो इंसान सोचता कि मैं किया जा मैं करूँगा जा मैं करूँगा, मैं तो समझदा कि वो मतलब एक बंदे का भुलेखा होंदा, वो कोई असलीयत नहीं होंदी, क्योंकि जे बंदा उही करन वाला होंदा तां उहदे वर्गा कोई ना होंदा, पर इत्थे कई आए ते कई गए, पर वो लिखता उही ने, वो गीतकार वो कवितावां उही ने, क्योंकि वो करन कराउण वाला परमात्मा ते वो आउंदियां जांदियां रहणगियां। सो मंजिल मेरे लिए तां कोई निर्धारित नहीं, बस कोशिश है कि जो परमात्मा ने लिखाया जो भी लिखाउणा जो भी गवाया अज तक उन्हों सुचेजे ढंग नाल चंगे ढंग नाल स्रोतियां दे सामने कर सकी पेश कर सकी, बस ये कोशिश होगी, बाकी मर्जी मालक। गीत हुण तक किन्ने कु लिख दित्ते तुसीं?
गीत दरअसल मैं ज़्यादा नहीं लिखे जी अराउंड, जे मैं कहाँ, क्योंकि मैनू इदा नहीं, जिदा मैं पहला गल गई, मैं कहते सोच के नहीं बैठे कि हाँ गीत लिखना। कई बार एक एक महीने च 20-20 गीत लिख दिना, कई बार 6-6 8-8 महीने कोई गीत नहीं लिखे, क्योंकि मैनू इदा है का, मेरा स्रोत आ जो गीत लिखण दा वह आमद आ, जदों कुदरती तौर पर परमात्मा वालों आमद हुई मैं उदों ही लिखना। इदा नहीं है भी जिदा बंदा बैठता भी हाँ कुछ लिखांगे या करांगे, वह भी बच्चे किते होणगे, बट ज़्यादातर आमद द्वारा ही ने। तो मेरे ख्याल च पिछले 10-11 सालों के सफर च अराउंड 300 तो उपर सोंग होणगे जिहड़े लिखे होणगे, पोएट्री वाखा, बट गीत ने मेरे ख्याल च वो 300 तो उपर हो गए होणगे। ते तुहाडी कलम बंदूकां नशे दे टीके इदां दा कुछ उधर भी मूंह मारदी है जां सिर्फ मतलब स्पिरिचुअल ध्यान ही रखदी है, नहीं इश्क मिजाज जी सिख हकीकी दी किन्नी क गल करदी है? नहीं मैं जिदा जे कहाँ, मेरे ख्याल से मैं जिंदगी सिर्फ एक गीत लिखे हथियारों वाला, तो भी ये लिखे कि हथियारों नालों नशिया नालों चंगा प्यार है, कि जो बंदा इश्क कमा लवे तो कुछ ना कुछ बन जाता। उत्थे भी अर्थ दी गल कर उत्थे भी अर्थ दी गल आ, शायद कई चंगा ना लगे मैनू नहीं पता, वह भी कुदरती तौर पर लिखा गया, क्योंकि मेरे नाल के कहते लिख ला इदा का भी कुछ, क्योंकि जो जमाना चलता। बट बाकी इदा नहीं कि मेरे सिर्फ स्पिरिचुअल सोंग ने, कमर्शियल भी ने सोशल भी ने, बट ज़्यादातर गीत इदा के ने कि जे पॉप सोंग भी आ जा कितने ना कि किमें ना किमें कोई ना कोई सतना वो हैगिया ने, ज्यादा ला लो स्पिरिचुअल सोंग आ जो ऑलमोस्ट 100% मीनिंगफुल आ, जो 75 मीनिंगफुल आ, 25% एंटरटेनमेंट आ। जेडे मेरे दूजे तरह के गीत होणगे, जो कोई समझण वाला हो, जो कोई मतलब वो 75% इंटरटेनमेंट जरूर होंगे, पर 25% उन्होंने भी मीनिंग होगा कितने ना कि। सो इदा नहीं है कि बाकी मेरी कोशिश यही रही है कि नशे के खिलाफ हथियारों के खिलाफ गीत ना लिखे जा ना गाए जाए, क्योंकि कुदरती तौर पर मतलब परमात्मा वालों मैनू कदे इदा लगे नहीं, क्योंकि मैनू इदा लगे कि बहुत चीज़ा ने जा बहुत सारा मैटर ऐसा कि जो इन्हां चीज़ों तो वध के है। इश्क जो नौजवान दे खून दे विचों जिहड़ी उदां दी सोच उपजदी है, तुसीं भी नौजवान हो पर ठीक है तुसीं उस तरीके नाल नहीं सोचते, विच इज सो गुड। कोई ऐदां दा जिहड़ा तुहाडे दिल दे करीब होवे रचना जिहड़ी तुसीं हो सकदा जे रिलीज़ ना कीती होवे, पर तुसीं आप जिद्दां मैं शुरू दे विच कहा कि बाथरूम दे विच ज़्यादा गुणगुणांदे हो, उह साडे दर्शकां दे नाल साझा ओ करो। मैं दरअसल अजकल एक गीत बड़ा गा रहा, दरअसल वो मेरा गीत भी काफ़ी पुराना जी, जी वो मैं पिछले दिन इंस्टाग्राम से भी शेयर कराया सी अपना, वह एक स्टैंजा कराया सी, वो मैं थोड़ा पूरा गाना सुना दिना 2-3 स्टैंजियां का जी प्लीज़। वो मैं 7-8 साल पहला लिखा सी, वो थोड़ा जा मतलब इश्क हकीकी ते ला लो, इश्क हजूरी ते ला लो, मतलब वो रब वाले पासे भी ढुकता दुनिया वाले पासे भी ढुकता, बट वो कंपोजिशन कुदरती सोलफुल बहुत सी, सो मैं चंगा लगता मेलोडी, सो दो बोल सुना दिना मैं जी प्लीज़। दिल चले चंद्रा कैसी ये चाह, हर पल रूह नू योदाई खिया, दिल चले चंद्रा कैसी ये चाह, हर पल रूह नू योदाई खिया, सौण दी न सुत कोई नाही जागण दा पता है, दिन है कि नाही रात दी कोई सुताए, इश्के ने खेडी कैसी अजबे चा, हर पल रूह नू योदाई खिया, दिल चले चंद्रा कैसी ये चा, हर पल रूह नू योदाई खिया, कलियां दे लई पौरे आपा वर जांदे ने, शमा विच परवाने सब साड़ जांदे ने, कलियां दे लई पौरे आपा वर जांदे ने, शमा विच परवाने सब साड़ जांदे ने, शरण वे आशकां दे जज़्बे कमा, हर पल रूह नू योदाई खिया, दिल चले चंद्रा कैसी ये चा, हर पल रूह नू योदाई खिया, हर पल रूह नू योदाई खिया, हर पल रूह नू योदाई खिया।
ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਚੱਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੀਤ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ? ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਉਹ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਕੰਜ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਲੇਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਜਾਇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਛਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਚਨਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਦ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਣਾ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੀਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜੋਨਰ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਟ ਸੌਂਗ ਆ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਆ ਉਹ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਜੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਐਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਣਾ, ਜਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਹਿਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਲਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਫੁੱਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਫ ਏਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਬੀਟ ਦਾ ਸੌਂਗ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਜੀ ਫੋਕਲੋਰ ਦਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਉਹ ਬੀਟ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੋ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਮਨੀ, ਮੈਂ ਗਮ ਲਲਾਉ ਕਿਹੜਾ ਦਾਮਨੀ, ਹੋ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਮਨੀ, ਮੈਂ ਗਮ ਲਲਾਉ ਕਿਹੜਾ ਦਾਮਨੀ, ਹੋ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਅਵਾਮਨੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਅਵਾਮਨੀ, ਦੱਸ ਕਿਹਦਾ ਹੁਣ ਕਤਲ ਕਰਾਏਗੀ, ਹੋਈ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚਲਾਏਗੀ, ਦੱਸ ਕਿਹਨੂੰ ਆਸ਼ਕ ਬਣਾਏਗੀ, ਹੋਈ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚਲਾਏਗੀ, ਦੱਸ ਕਿਹਨੂੰ ਆਸ਼ਕ ਬਣਾਏਗੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਥ੍ਰਿਲ ਸੌਂਗ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੇ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਰਤਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਾਜੇ 'ਤੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਰਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਤਰਜ਼ ਅਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰੂੰ। ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲੈਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ? ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ
थोड़ा जहा कुछ कारना करके अजे डिस्कशन चल रहे ने कुछ इंडिया च, क्योंकि जिहड़ी कंपनी ने मैनूं लॉन्च किया जस रैकेट्स लॉन्च कर रहे ने। सो मतलब जस रैकेट्स, जस रैकेट्स ते तुसीं जाणा जी, हां जी सर्च करो ते, हां जस रैकेट्स इत्थे सबस्क्राइब, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। यस जस रैकेट जो वो जसवीर पाल भाजी बहुत ज्यादा मतलब क्योंकि शुरू तो ही टैलेंट नूं प्रमोट करते आए जी, तो उन्होंने काफ़ी साथ दिता तो अगे भी दे रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश ये है कि अगे अगले गीत भी उन्होंने आने, बट हजे वो फाइनलाइज नहीं होया कुछ, इंडिया च फिलहाल लॉकडाउन चल रहा वो करके थोड़ी जी हालात इदा के ने, थोड़ी जी वो मतलब एक तरह अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बट ऑलरेडी एक गीत पूरा रिकॉर्डिड है, दूसरा उस तो बाद वाला भी आलमोस्ट डन आ, जो अगला गीत आ रहा रोमांटिक बीट आ फोकलोर का, क्योंकि वो असी तां कीता सी क्योंकि फोकलोर पंजाब चो अलोप हो रही है जी, सो ऐ सी भी थोड़ा जा पंजाबीयत दा फोकलोर दा रंग झल के, तो उस तो बाद वाला जिहड़ा गीत आ वह थोड़ा जा जिद्दां अजकल कमर्शियल गाने चलते ने वह थोड़ा जा रोमांटिक बीट टाइप आ, बट वह थोड़ा जा गैंगस्टा बीट आ, वह जिद्दां वह इहदे ते आधारित आ जिद्दां मैं पहलां गल्लां कर रहा सी कि कोई मुंडा एक तरह गैंगस्टर हुंदा बट वह हथियारां नूं नशियां नूं छड्ड के किद्दां प्यार वल आउंदा, वह उहदे दिल दे जज्बात ने, उहदे दिल दे इजहार ने, वह थोड़ा जा अलग ढंग नाल बयान करन दी कोशिश कीती आ, आस आ कि श्रोतियां नूं पसंद आऊगा। सो इस महीने बुलेट ते अगले महीने शायद वह गाना भी थोड़े सामने सानूं जाण तों पहलां की सुणाऊंगा, जाण तों पहलां कुछ भी जिहड़ा तुहानूं चंगा लगे। ओ बोल मिट्टी देया बावे आओ ए तेरे दुखा ने मार, मुका ले आओ ए मेरा सोना माही आ जा हो, वतना वाले माण करन ते नी मैं माण करा परदेसी, ओ बोल मिट्टी देया बावे आओ दर्शकों। आप क्रियासिटी इसे तरी बना के रखेंगे, वह कारण यही है कि यह बहुत लंबी दौड़ का घोड़ा, यह चढ़िया तो छिपया सूरज नहीं है, पिछले 10 साल तो रियाज किया, सोचण का तरीका, वह अगे वधन का तरीका, उसनू सफर नू बिना डेस्टिनेशन तो अपने सफर नू इंजॉय करने का तरीका सिद्ध करता महसूस कराता कि बहुत लंबी दौड़ का घोड़ा और बहुत लंबा इसनों प्यार मिलेगा तुहाडे सारिआं तों, तुसीं जो मैं महसूस कर रहे हैं तुसीं भी महसूस करोगे। असीं एडिलेड आस्ट्रेलिया दे विच बैठ के गलबात कर रहे हैं, साडे लई बड़ी खुशी की गल आ, एक होर हीरा सानूं लभिआ जिहड़ा काफ़ी भट्ठी दे विच तल के तप के साडे अगे आया, साडे लोकां दे विच आया, साडे लई इक होर माण की गल अज, और ये भी अपनी जिंदगी दे नाल साडी सारिआं दी जिंदगी नूं जिंदाबाद करन दे विच अपना जिहड़ा योगदान पाएगा। एक बारी फिर तो शरण जोगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सू टाइम दे, सत श्रीकाल जी, मिलते हैं अगले किसी प्रोग्राम के, हंसते वसते रहो, जिंदगी में धन्यवाद रखो।